आज मैं एक बहुत ही डिफरेंट मार्केट में जा रही हूँ, क्लॉथ मार्केट है जहाँ मैं आज तक नहीं गई हूँ. यू नो, जैसे मैंने आपको बोला था कि जब घर में शादी हो तो आपको हर मार्केट एक्सप्लोर करना चाहिए, बिकॉज बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो आपको नहीं पता आपको कहाँ से क्या अच्छा मिल जाए. जैसे उस दिन हम लोग क्रॉफर्ड गए थे, मैं भगवान कलेक्शन से भी चीज़ें ले रही हूँ, और आज मैं एक दूसरे मार्केट जा रही हूँ, वहाँ पे देखते हैं मुझे क्या कितना कैसे अच्छा मिलता है. तो आई डोंट नो कि आज मैं वहाँ पे ब्लॉग शूट कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं कि मैं पहली बार जा रही हूँ. लेकिन हाँ, इससे पहले जो ब्लॉग मैंने डाला था जिसमें मैंने अपने नेट सूट्स के बारे में आपको डिटेल में बताया, उसमें आप में से कई लोगों के मैसेजेस हैं कि पर मीटर क्या है, कैसा है वगैरह. तो इत्तेफाक से मैं परसों दोबारा भगवान कलेक्शन गई थी, क्योंकि मेरे जो डाई करने का एक ब्रोकेट का कपड़ा था ब्लैक, वो रेडी हो गया था, तो वो मुझे पिकअप करना था, एंड वहीं पर उनका फ्रेश स्टॉक भी आया हुआ था. तो मैंने उस दिन जो नेट के जो भी कपड़े मैंने खरीदे हैं वो विथ पर मीटर प्राइस, एंड जो उनका नया कलेक्शन आया है जो बहुत ही अच्छा है, वो इतना खूबसूरत है, तो मुझे लगा मुझे आपके साथ वो ज़रूर शेयर करना चाहिए. तो स्पेशली फॉर यू ऑल मैंने वो प्राइस रेंज के साथ जो है उन सबके शॉट्स लिए हैं, तो इसके बाद मैं वो लगा रही हूँ, आप देख लीजिए, इट्स ओनली फॉर यू. ये सेक्शन है नेट की वैरायटी का, जो मैंने फैब्रिक्स उठाए वो भी यहीं से उठाए थे, और यहाँ आप देख सकते हैं अलग अलग कलर, अलग अलग पैटर्न्स, डिज़ाइंस हैं, और ये पर्टिकुलरली एकदम फ्रेश स्टॉक है, और ये है 645 टू 885 पर मीटर की रेंज में. अब मैं आपको दिखाती हूँ जो वैरायटी फ्रेश स्टॉक आई है हैवी में. सो ये देखिए, ये एक है पेस्टल्स, अगर आपको चाहिए तो बहुत प्रिटी है, इसमें कलर्स भी हैं इनके पास. ये एक ब्लैक में फैब्रिक है, ये सेम रेड में है, और ये वाला जो है पिंक में, ये मुझे बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगा, बहुत ही खूबसूरत, और ये सेम इसमें ब्लैक कलर है. ये आपको खोल के भी दिखाते हैं एक बार. और ये है ब्रॉड बॉर्डर के साथ, एकदम हैवी फेस्टिव लुक, और ये आप चाहो तो इसके साथ मैच करके चोली बना सकते हो. सो इस बार जो कलेक्शन आई है वो आई थिंक ज़्यादा वेडिंग सीज़न को ध्यान में रख के आई है, क्योंकि ये सारे फैब्रिक्स ऐसे हैं कि आप सिर्फ उठाइए इन्हें 5 मीटर एंड जस्ट मेक अ नाइस लहंगा, उसके अंदर अगर आप कैन कैन लगा लोगे ना तो वो फूल जाएगा, तो जैसे हमें वो फूली हुई लुक चाहिए होती है वो मिल जाती है. और जैसे इस वाले कपड़े में तो ये साथ है कि आप इसकी चोली बना सकते हो, और नहीं तो आप कोई भी प्लेन फैब्रिक उठा सकते हो. तो यहाँ पे गोल्डन कपड़ा भी बहुत अच्छा है जो चोलियों के लिए परफेक्ट है, एंड इन सब में तो आप चाहो तो जैसे ये ब्लैक वाला मैंने आपको दिखाया, उसमें फुल जो गाउन्स नहीं बनते, इंडो वेस्टर्न गाउन्स जिसके साथ आपने सिर्फ एक दुपट्टा ले लिया, सो वो बहुत अच्छा ऑप्शन है. अब मैं आपको यहाँ पर वो कलेक्शन दिखाती हूँ जो डाइबल हैं, जैसे आपने दुपट्टा लिया उसको डाई करवा लिया. ये तो बहुत ही सुंदर है, ये देखिए, ये जस्ट अगर आप बॉडी कट गाउन बनाओगे और इसके साथ एक दुपट्टा ले लोगे, बस यू आर सॉर्टेड. मतलब वो कहते हैं ना, अगर आपको इजी क्विक आउटफिट्स बनाने हैं हैवी वाले, तो ये फैब्रिक्स उनके लिए बहुत परफेक्ट है. अब मैं आपको यहाँ पर डाई करने वाली कलेक्शन दिखाती हूँ. सो ये जो कपड़े हैं ये सब डाइबल हैं, तो अगर आप ये ख़रीद रहे हो अपनी चोली बनाने के लिए, इसको आप किसी भी कलर में डाई करवा सकते हो. तो क्या होगा, जो बेस है वो डाई हो जाएगा, थ्रेड डाई नहीं होगा, और आपकी ये जो सीक्वेंस है वो भी डाई नहीं होगा. और इसमें इनके पास ये सारी वैरायटी है. ये भी डाइबल है, ये भी अगर आपको मिरर वर्क का लहंगा बनाना है, शरारा बनाना है, यू कैन जस्ट पिक दिस क्लॉथ अप. एंड आई नो कि बहुत लोग हैवी ट्रेडिशनल पसंद नहीं करते हैं, तो उनके लिए ये देखिए, ये जो कपड़े यहाँ पे रखे हुए हैं ना, ये छोटे क्या प्लीटेड बोलेंगे क्या बोलेंगे, ये बहुत कलर वैरायटी है. इसके साथ आप सिर्फ जो टॉप है वो इस तरीके से फुल हैवी ले लीजिए, तो ये बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट लगेगा बनके. ये देखिए, ये डार्क शेड में है, इससे पहले वाला फैब्रिक लाइट शेड में मैंने रखा था, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, आप बताइए.
ओके सो हो गया मेरा यहाँ का सारा काम, मैं निकल रही हूँ। लेकिन निकलने से पहले मैं आपको जो फैब्रिक्स आपने मेरी वीडियो में देखे थे वो मीटर वाइज क्या प्राइस है वो बता देती हूँ। सॉरी, ये वाला तो ऑलमोस्ट जो है ख़त्म हो चुका है, ये वाला जो आप सब लोगों को मैक्सिमम सबसे ज़्यादा पसंद आया था। सो ये अभी कितना बजा है? ये 2.25 मीटर का पीस है, तो लास्ट पीस के हिसाब से 2475 का पूरा। ओके सो ये 2.25 मीटर का पीस है, अदरवाइज इट वॉज 1295 पर मीटर दिस। एंड इसमें एक कलर ये बचा है, ये वो ऐसे 2 मीटर ये वाला, ये भी सिर्फ 2 मीटर का टुकड़ा बचा हुआ है। तो फर्स्ट कम फर्स्ट जो आया जिसके हाथ में लगा। ओके नाउ अब मैं आपको ये बताती हूँ। सो ये है वो ग्रे कपड़ा जो लास्ट मैंने लिया था, और ये कैसे मीटर है? ये 1095 पर मीटर है। सो ये मैंने लिया था, आप लोगों ने देखा था, और ये अभी पीस ही रह गया है सिर्फ। ये एक दूसरे तरीके का कपड़ा ऑफ द सिमिलर कलर, ये ज़्यादा ब्लिंग है, इसमें ब्लिंग कम था इसलिए मैंने ये लिया था। लेकिन इसमें इनके पास ये सारे कलर्स हैं, ये है, ये है, ये है, पीच है, और एक ये सबसे नीचे जो है नेवी ब्लू है, ये भी बहुत प्रिटी कलर है। और ये है 675 पर मीटर। और मैंने ये लिया था वो जो वाइट के साथ कॉम्बिनेशन किया है आपको दिखाया है, तो उसमें उनके पास वाइट है, ये है पीच, पिंकिश पीचिश है ये, एंड ये है सी ग्रीन टाइप। यहाँ येलो ज़्यादा लग रहा है पर ये थोड़ा सी ग्रीन है, ये लेमन येलो है, एंड ये है 1345 पर मीटर।